हेलो गाइस, वेलकम बैक द माय यूट्यूब चैनल द बबल्स हेवन। साथियों, आज मैं अपने पिटूनिया के अंदर जो कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट की थी तो काफ़ी अच्छी चलने लगी है ये। इसमें अपने रूट इस मिट्टी में पकड़ लिए हैं और ये ग्रोथ पे आ गई है, तो लिहाजा इसमें मैं आज लिक्विड दूंगा और कुछ चीज़ें मिला के करता हूँ। आप देखिए कि क्या क्या चीज़ मैं डालता हूँ। तो दोस्तों, ये है सरसों की खली जो काफ़ी दिन से भीग रही थी, और ये ज़्यादा अगर पुरानी हो जाती है सरसों की खली, ज़्यादा दिन की महीना एक महीने से ऊपर की हो जाती है, तो इसमें ये ख़राब हो जाती है। लेकिन ये हमारी काफ़ी दिन की भीगी हुई, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने इसको ये इसमें पानी में डाल दी है, ये देखिए, तो इसको दोबारा इससे भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए इसमें क्या करना चाहिए कि ये मैंने चूना घोल के रखा है, ये देखिए, ये चूना इसमें ऐड कर दें, ये देखिए चूना अगर आपने इसमें डाल दिया तो ये दोबारा से खली और भी जानदार बन जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो जो कैल्शियम है वो और ज़्यादा पैदा हो जाएगा। और ये है साथियों किचन वेस्ट का लिक्विड, तो ये भी इसमें ऐड करते हैं, समझे। अभी खाली कर लेंगे फिर इसमें पूरे में मिलाएंगे, ये इस तरीके से। और इसमें क्या करना है कि ये जो किचन वेस्ट लिक्विड होता है ये कच्ची खाद होती है एक तरीके से, तो इससे फंगस बहुत अच्छी जल्दी लग जाती है, तो इसमें थोड़ा सा फंगस पाउडर भी डाल लें, एक आधा चम्मच फंगस पाउडर डाल लें ताकि ये खाद अच्छा काम करे और फंगस ना लगे पौधे में। और इसके बाद में साथियों क्या करना है कि ये है हमारे पास इंजाइम, ये लगभग एक साल का इंजाइम है, ये मैंने जैस्मीन के फूलों से बनाया है, तो थोड़ा सा ये भी इसमें मिला देते हैं, करीब 2-3 चम्मच। ये अब मैं ये लिक्विड अच्छी तरीके से घोल के और अपने पिटूनिया में डालूँगा और फिर ये बहुत अच्छी तरीके से घने हो जाएंगे और फिर इसमें जो फूल आएगा वो देखने लायक होगा। तो साथियों डालता हूँ, बस हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, पिटूनिया में पानी बहुत कम दिया जाता है, बस गीला रहे, मॉइस्चर रहे और ज़्यादा भरा नहीं जाता इसमें पानी। अब ये लिक्विड जब इसमें पहुँचेगा और ये पौधा इसको लेगा तो ये भरभरा के चल पड़ेंगे और बहुत जल्दी फ्लावर देने लगेगा। तो साथियों इसी तरीके से आप पिटूनिया के अंदर लिक्विड बना के डालिए और फिर देखिए कैसे भर के फूल आते हैं, पिटूनिया देखने लायक आपकी बन जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।